हेलो हेलो सावधान, हेलो राजा जनक बता रहे हैं रोशन तेरे चिराग का ऐसा चिराग हो खुशे से भी बढ़कर तू आला दिमाग हो फूले तू रुखे लाला दिल में ना दाग हो जाबे जहां में सूरत गुल बाग बाग हो। हेलो 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 मुनीरा जय हो जनक नरेश जय हो मुनिराज प्रणाम। मुनिराज प्रणाम। मुनिराज हम आपको दशरथ कुमारों साथ देकर अति प्रसन्न हुए। धने यज्ञ में पधारना हमारे सौभाग्य का कारण है और सब राजाओं का कत्तरों कर्म दर्शन देना भी हमारे शोक का निवारण है। हम इस तकलीफ के लिए सभा सदों के शुक्रगुजार हैं और यथाशक्ति सत्कार करने को तैयार है। कृपा है कृपालु की बड़ी ईश्वर की दया है। बड़े सौभाग्य से ऐसा मुबारक दिन दिखाया है। मंत्री जी हमारा ऐलान सबको सुना दिया जाए। आए हैं नूप देश देश के हैं भूप धार धार के स्वरूप आज सभा में पुधारे हैं। उठो क्षत्रिय जवान जिसे हो अभिमान बल देखने तुम्हारे हैं। इस सभा में पुधारे हुए वीरों इस कमान का जो चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता से ब्याह जाएगा। इसलिए क्षत्रिय वीरों उठो और अपने बल का जोश प्रदान करो। मुश्किल का काम क्या ये रानी है मुझे लकड़ी का आ जाए किसी और दांत का।
ओहो, ये तो कमान है ही नहीं, ये तो किसी गरीब घर का स्थिर लगता है। राजा जनक ने हमारे साथ मजाक किया है। अजी ये दुनस क्या चीज है, उठा भी लूं, चुरा भी लूं, एक आन से इसको तिनका समझकर तोड़ दूंगा मैदान में इसको। ये तो बहुत वजनदार है, इसको उठाना हमारे बस की बात नहीं। शर्मसार हो गए, उठने की मेरी देर है, देखना देखना इसके टुकड़े तीन चार हो गए। नहीं भाई, हमारी बस की बात नहीं है। ये धनुष क्या चीज है, आसमानों के तारे तोड़ दूं, ये अगर धनुष उठा ना सकूं तो धनुष उठाना ही छोड़ दूं। है ये धनुष है कि यह प्राणी शतीर है? मोदी पुरानी धनुष पर इतना गुमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर एक कमान है, चाहूं तो एक बार में तोड़ डालूं इसे, किस बात पर उठा रखा सर पर आसमान है। किसी और दिन उठाएंगे। शोकरे अगर हर एक काम को
दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को, मेरे बिना ये काम कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल दीजिए खेले काम को। रावण जनता को आग लग गई, रावण अफसोस हमने जो प्रण किया उसको सुनकर दीप दीप के राजा लोग तशरीफ लाए। रावण वान असुर बड़े बड़े योद्धा युद्ध में दई धार कर आए, परंतु ये धनुष किसी से ना टूटा। टूट लो तो दरकिनार धरती से ना छूटा, शायद इस यश को पाने वाला ब्रह्मा ने अभी तक पैदा नहीं किया। जानकी को मरने वाले किसी माई के लाल ने जन्म ही नहीं लिया। अगर मुझे ऐसा मालूम होता ये प्रण कभी ना करता, इस कंठ कमर मार्ग में कभी बार ना डरता। सपूत ऐसा नहीं जो बचाए पितर लिजिया को, कोई दिखता नहीं जो ब्याह प्यारी सीता को। ना जाने इस प्रण से क्या आने वाली है, विद्युत होता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। कौन कहता है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, जिस दिन इस पृथ्वी पर वीर न होंगे उस दिन पृथ्वी पृथ्वी न होगी। महाराज आप अपनी जुबान को संभालें और जरा सोच समझ कर बात मुंह से निकालें। अपने घर में बुलाकर किसी की बेइज्जती करना जो कहां की अकलमंदी है। अगर बाकी राजाओं से धनुष नहीं उठना तो आपने सबको खाया डरपोक बताया है। मैं जे कठोर शब्द पर जोक नहीं करना चाहता जैसे कि आपने किए हैं, मैं फिर भी कहता हूं जे आपके लिए कोई भी कठोर शब्द नहीं होगा। अगर बड़े भाई का डर ना होता तो इस बच्चुबानी कुशत्री को के अपमान का मजा इसी वक्त चखा देता, शाही दरबार को रणभूमि बना देता और एक ही बाण से खून की दरिया बहा देता। लेकिन लक्ष्मण मजबूर है बड़े भाई की आज्ञा नहीं। हे रघुनाथ जिस सभा में आप जैसे रघुवंशी मौजूद हैं वहां पर ऐसे शब्द उच्चारण करना बेसुद है। राजा जनक ने जो अपमान जो शब्द बोले हैं मानो रघुवंशी पति पत्थरों के साथ तोले हैं। मैं अभिमान से नहीं बल्कि से स्वभाव से कहता हूं, अगर आज्ञा आपकी पांव में अखंडकार ब्रह्मा की रचाई हुई सृष्टि को प्रेम की तरह शाल दूं, समस्त पर्वत पहाड़ों को कच्चे गड़े की तरह ताड़ कर शेष सागर में ढाल दूं। धनुष को की डंडी समझ कर उठा लूं, कोसों बला तकलीफे दूर ले जाने के लिए छोटी उंगली पर उठा लूं। कुदरत ने वो ताकत दी है मेरे दस
तलवार मैदान में आएगी और इस बदजुबानी को क्षत्रि कुल के अपमान का मजा चखाएगी। लक्ष्मण में अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, ऐसे बेहूदा अल्फाज सुनने की आदत नहीं। जैसलमेर का मैदान बहादुरों के खून से लाल लाल हो जाएगा। जल को थल करूं, थल को जल करूं, ले आऊं तार सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। रघुवर राम जी के होते हुए अनुचित वाणी के ढाली है, जे शब्द हृदय में चुपता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार ऐसा है, अनहोनी नहीं होगी, जिस दिन पृथ्वी पर वीर न होंगे उस दिन पृथ्वी पृथ्वी न होगी। अभिमान त्याग कर कहता हूं, अगर हुक्म गुरु का पांव में जे मुर्दा धनुष तो जीत क्या सारा मंडल ठालाऊ में। पौरी से कच्चे गड़े के समान पल भर में तोड़ दूं, जा बरसाती नाले की तरह चटकी में मरोड़ दूं। आपके प्रताप से तिनका समझ कर तोड़ूं, धनुष अगर तोड़ू ना तो धनुष उठाना छोड़ दूं, धनुष उठाना छोड़ दूं, धनुष उठाना छोड़ दूं। अरे लक्ष्मण, बड़े भाई के सामने ऐसी गुस्ताखी वजह नहीं, मारे का उछलना नीचे गिरने की निशानी है। अहंकारी पुरुष हैं जो सदा ही उनकी हानि है। रामचंद्र जी उठो, राजा जनक का संकोच भी अहंकार का नाश करो और अपने बल रूपी प्रकाश का अवतार करो। राम आपकी आज्ञा का मुंतजर है। जाओ जाओ रघुवंश के, जाओ और अब रघुवंश का विस्तार करो। आपकी आज्ञा से, आपके प्रताप से राम जी ने धनुष को देख लिया और ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखता है। हे दिशाओं के हाथियों, हे शेर, हे वीरा, धीरज धर के पृथ्वी को पकड़ना कहीं ही लेना पाए। श्री रामचंद्र के धनुष तोड़ते समय जे धरती डाल ना जाए। पराक्रम देखा है रावण से बलि रणधीर का, देखना है अब जोर बाकी रघुकुल वीर का। हो गुरु की गर्दया तो ये धनुष क्या माल है,
हो मगर कितना भी कड़ा, फूलों की कोमल डाल है। क्या यही कमान है जिसके लिए इतनी देर से खींचतान है? क्या यही कमान है जिसके मुतलक राजा जनक को इतना अभिमान है और जिसको हाथ लगाते हुए यहाँ हर कोई डरता है? देखिए अब इसका चिल्ला किस प्रकार चढ़ता है।